मैनिफेस्टो में तीन प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं, 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवी के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महात्म्य देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। लाइक शेयर एंड कमेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।